भाभी मैं वीर भाई से पूछती हूँ क्या हुआ, उन्हें फोन करती हूँ। नहीं करिश्मा, किसी से कुछ नहीं पूछो, वो आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन भाभी ऋषि तो आ ही रहा है ना, अब तक आप खाना पीना तो शुरू कर सकती है ना, अब उसके आने का वेट क्यों करना है, बेकार में क्यों भूखी रहेंगी आप। नहीं करिश्मा, जब तक ऋषि नहीं आ जाएगा हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उसे एक बार अपने सामने इस घर में देख लें, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। पहला कौर उसे खिलाएंगे और उसके बाद ही हम खुद कुछ खाएंगे। पर भाभी ऐसे तो आप मुझे, तू जा। लो जूस पी लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं मम्मी जी, जब तक ऋषि नहीं आ जाता हम नहीं पी पाएंगे। मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। आज नहीं, आज नहीं मानेंगे। आज आपकी बहू होने से पहले हम ऋषि की मॉम हैं, और आप प्लीज कोशिश भी मत कीजिए हमें मनाने की, जिस तरह से आपने लक्ष्मी को रोकने के टाइम पर की थी। मम्मी जी आज कोई और तरीका मत अपनाइएगा हमें खिलाने पिलाने का, क्योंकि आज बात हमारे बेटे की जिंदगी की, उसकी खुशी की है। बेटे की खुशी किस में है, अगर ये बात समझ जाती तो ये नौबत ही ना आती नीला। आप हमें जूस पिलाने आए, आपको तो यही लगता है ना कि हम कसूरवार हैं, तो क्यों आई आप हमारे पास, हमें नहीं पीना है। थैंक यू। अब मैं क्या ही बोलूं, जिस दिन तुम मेरी जगह पर और तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बहू होगी तब शायद तुम्हें समझ में आए, पर अब तो तुमने जिद पकड़ ली है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। चल अभी जाओगे तो। लक्ष्मी हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज जिद मत करो, प्लीज। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जिद मत करो, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ऋषि तुम्हें सुना ही दे रहा है बाबूजी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी माँ भूखी प्यासी, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। लक्ष्मी फिक्र है मुझे भी है मॉम की, बहुत ज्यादा फिक्र है। डैड है ना, डैड रहेंगे मॉम के साथ, उन्हें समझाएंगे और वो खा पी लेंगे डैड की बात सुनके। ऋषि अगर बाबूजी समझा सकते तो वो यहाँ आते ही नहीं ना। तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, एक माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। मॉम से दूर रहने का दुख मुझे भी है लक्ष्मी, लेकिन तुम मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है। मॉम का अपने बच्चे से दूर रहना, उसके बिना रहना, उनकी ये जिद जायज है। और अगर मैंने मॉम से अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां मांग ली, तो मेरी जिद ना जायज हो गई, ये कहना चाह रही हो तुम। लक्ष्मी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मॉम गलत है, मैं मॉम को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है ना लक्ष्मी, वो मॉम की जिद की वजह से भी हुआ है। उन्होंने क्या किया है तुम वो मत देखो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो, तुम्हें बेटे होने का फर्ज नहीं भूल सकते। फर्ज नहीं भूल रहा हूँ लक्ष्मी, बिल्कुल भी फर्ज नहीं भूल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता भी हूँ कि मुझे वापस मॉम क्यों बुला रही है। क्योंकि मॉम चाहती है कि मैं मलिष्का से दोबारा शादी कर लूँ, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ। मॉम यही चाहती है और वो यही करेंगी। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ, मलिष्का से शादी कर लूँ, तुम ये चाहती हो? हाँ कर लो, हाँ कर लो। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।